Hey everyone, welcome back to my channel and you are watching The Beauty Secret. Winter season में आप कितनी भी अच्छी quality का soap use कर लो, कितनी भी अच्छी quality का face wash, body wash use क्यों ना कर लो, पर नहाने के बाद या face wash करने के बाद skin dry और dull हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा खिची खिची सी लगने लगती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को होममेड स्किन वाइटनिंग, ग्लोइंग, डीप क्लींजिंग, डीप मॉइस्चराइजिंग, डीप हाइड्रेटिंग फेशियल सोप बताने वाली हूँ, जिससे आपको फेस वॉश भी करना है और उससे आपको नहाना भी है। अगर आप इस सोप से नहाएंगे तो सबसे पहले आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है, जो खिची खिची सी हो जाती है, वो खिंचना बंद हो जाएगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, इस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पर टैनिंग हो गई है तो ये टैनिंग को भी रिमूव करेगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं जो आपकी स्किन के अनइवन टोन्स को इवन करेगा, स्किन पे जो टैनिंग आ गई है वो टैनिंग को भी रिमूव करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस होममेड सोप को कैसे बनाते हैं। तो इस सोप को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ग्लिसरीन सोप लेना है, आप सोप बेस भी ले सकते हैं, अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ग्लिसरीन सोप भी नहीं है और आपके पास सोप बेस भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पियर सोप का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पियर सोप में भी 95% ग्लिसरीन होता है। पियर सोप आपको मार्केट से 15 से 20 रुपए में इजीली मिल जाएगा, आप वो ले लीजिए और उसको ग्रेट कर लीजिए। पूरा उसको ग्रेट करने के बाद हमको एक ऑरेंज लेना है और ऑरेंज को भी ग्रेट कर लेना है, याद रखिएगा उसका ऊपर का जो लेयर होता है ना उसको ही हमें ग्रेट करके लेना है, क्योंकि उसमें फुल ऑफ विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज की अपर लेयर लेने वाले हैं, उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब जो हमने ये सोप को ग्रेट किया है उसको हम डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से मेल्ट करेंगे। गाइस पहले मैंने यहाँ पे छोटा बर्तन लिया था, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि छोटे बर्तन में तो पानी अंदर जा सकता है, तो मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था और इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। इसके मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच बादाम का तेल, आमंड ऑयल, जो स्वीट आमंड ऑयल होता है उसको 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। आमंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, स्किन पर ग्लो लाता है, इससे जो आपकी स्किन में ड्राइनेस होती है, डलनेस होती है वो दूर होती है। तो इसमें हम 1 चम्मच बादाम का तेल ऐड करेंगे। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे वो है 2 विटामिन ई की कैप्सूल। मैं यहाँ पर विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये वाले विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो आप इवियन के विटामिन ई की कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 कैप्सूल आपको डालना है। जो हम इसमें तीसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है जो हमने ग्रेट करके रखा था ऑरेंज पील, हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें। और जो हमारा चौथा और फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स। ओट्स गाइस हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ओट्स को हम यहाँ पर लेंगे और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। 1 से 2 चम्मच हम ओट्स का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ये स्किन के पोर्स में जाकर स्किन को डीपली क्लींस करता है, पोर्स को श्रिंक करता है और स्किन में ग्लो लाता है। इन सबको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। तो बस सोप रेडी हो गया है, अब हम इसको एक बाउल में डालकर इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख के इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इस 1 घंटे के बाद ये देखिए हमारा सोप बनकर रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इंस्टेंट ग्लो देखने को मिलेगा आपके फेस पे। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।